चरण सिंह साबरा, अब आप बताइए, पेपर लीक या सिस्टम लीक? और जो बात आप कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है, कांग्रेस किस कैसे कहेगी इस बात को? कांग्रेस तो खुद पेपर लीक की जननी है और राजस्थान का एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए गौरव जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको बताऊं, आपने ठीक बात कही कि ये मात्र पेपर लीक नहीं है, ये पूरा सिस्टम ही लीक हुआ है। क्यों, इसका भी मैं कारण बताता हूं। देखिए जो एनटीए की बात है ना, एनटीए जब से सरकार ने अपॉइंट करी है एक इंडिपेंडेंट एजेंसी, ये मेरे ख्याल से 2017 में अपॉइंट हुई और 2018 से इसने अपना काम शुरू किया और लगातार 2019 से हम ये पेपर लीक के मामले राज्य दर राज्य हम सुनते आ रहे हैं, और खास करके वो राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी शासित वो राज्य है, वो चाहे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, इनमें से ये पेपर लीक के केस जो है ये ज्यादा मिले हैं। तो पहली बात तो ये है कि कहीं ना कहीं जो एनटीए अपॉइंट हुआ वो एनटीए अपने आप में पर्याप्त नहीं है, वो कमजोर है, या उसके पास में सिस्टम नहीं है, या आउटसोर्सिंग का सिस्टम है, उससे ये लीक हो जा रहा है, ये पहली बात। दूसरी बात ये भी सच है कि ये पेपर लीक जो है ये दिन ब दिन एक महामारी की तरफ फैल रहा है, और इस महामारी का इलाज जो है वो मोदी सरकार के पास या भारतीय जनता पार्टी की सरकार या एनडीए की सरकार के पास में नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि हम रोज देख रहे हैं, कभी पुलिस भर्ती के पेपर लीक हो रहे हैं, कभी वो जवानों की भर्ती के पेपर लीक हो रहे हैं, कभी नीट है, कभी यूजीसी नेट है, तो ये रोज कुछ ना कुछ इस तरह से आ रहा है। कहीं ना कहीं सिस्टम में लीकेज है, कहीं ना कहीं सिस्टम में प्रॉब्लम है। वो सिस्टम के भागी तो आप भी रहे, इस सिस्टम में तो आप भी रहे। मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं तो सिस्टम का मतलब मैं केवल बीजेपी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं जब सिस्टम की बात कर रहा हूं तो उन राज्यों की बात कर रहा हूं जहां पर कांग्रेस पार्टी भी सरकार में रही, वहां भी पेपर लीक हुए। हाँ नहीं नहीं गौरव जी ठीक है, राज्यों राज्य में आप राजस्थान का उल्लेख करना चाहते हैं जिस तरह से बीजेपी ने उल्लेख किया है। हाँ। मैं तो ये कह रहा हूं कि इसकी जननी तो एनटीए है ना, वो एनटीए तो बीजेपी ने बनाई है, वो एनटीए के पास पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं है, वहां से लीकेज है। वो तो कांग्रेस शासित राज्य में भी जा सकता है, बीजेपी शासित राज्य में भी जा सकता है, और बीजेपी शासित राज्य में ज्यादा जाता है। हाँ। क्योंकि ये सारा सिस्टम जो है वो प्रदूषित हो चुका है। तो आप ये मानते हैं ना सर, बीजेपी प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वो जवाब देंगे, लेकिन आप ये मानते हैं चाहे आप सरकार में रहे और हर पेपर जो लीक हुआ वो एनटीए से जुड़ा हुआ नहीं है सर, राजस्थान में जो पेपर लीक हुआ वो एनटीएस जुड़ा हुआ नहीं था सर, तो मैं कह रहा हूं चाहे वो जो भी हो, आप ये मानते हैं कि आप लोग भी इसको नहीं ठीक कर पाए और वो भी नहीं ठीक कर पा रहे? क्लियर करता हूं मैं इसको, ना 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 गौरव जी, आप भारतीय जनता पार्टी को कवर फायर देने का कार्यक्रम, मैं कोई कवर फायर नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं बीजेपी के प्रवक्ता आएंगे तो जवाब देंगे, लेकिन मैं राजस्थान पे आपसे जानना चाह रहा हूं। एक मिनट हां हां, तो मेरी बात पूरी होने दीजिए। जब सिस्टम प्रदूषित हो चुका है, हाँ। ये सिस्टम किसके पास है? भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के पास में। सिस्टम प्रदूषित होने के बाद में सिस्टम वेंटिलेटर पर चला गया है, इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। अच्छा। इसमें लीपा पोती करके या कॉस्मेटिक सर्जरी करके काम नहीं चलेगा। और दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने सिस्टम को चेंज करने का प्रयास क्यों किया? क्योंकि वो अपने आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को पेनिट्रेट कराना चाहते हैं, और इस वजह से उन्होंने सारे सिस्टम को बदलने का प्रयास किया ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो इनकी विचारधारा के क्या कहते हैं बंधुआ मजदूर हो जाएं, इनकी विचारधारा ही आने वाली पीढ़ी को समझ में आए। ओके, इस पर अरस्तु कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर स्वास्थ्य के पास जाऊंगा मैं जल्दी। अरस्तु क्या कहना चाह रहे थे आप? ठीक है चरण सिंह साबरा जी, ओके। देखिए मेरा गौरव जी कहना इसमें ये है कि ये इतिहास केवल एनटीए तक सीमित नहीं है। मैं शिक्षाविद हूँ, जैसे मैंने आपको बताया 30 साल से मैंने ये पेपर हर पिछले 30 साल में भी आउट होते हुए देखे हैं, मैंने ये लीक मामले पिछले 30 साल में देखे हैं। मैंने केवल नीट की बात नहीं है, हर राज्य सरकार में ऐसा होता रहा है। ये एक पर्टिकुलर मानसिकता है कुछ लोगों की जो इसको दूषित करने का काम करती है। मैं इसे किसी सरकार से किसी विपक्ष से जोड़ना नहीं चाहूँगा, इसको राजनीतिकरण ना किया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में मैं 30 साल से काम कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि कहाँ पर होता है। अब ये बताइए, यूपीएससी होता है, यूपीएससी कांग्रेस की सरकार में भी अच्छा था, बीजेपी की सरकार में भी अच्छा है, वामपंथियों की सरकार में भी अच्छा था, वो चंद्रशेखर की सरकार में भी अच्छा था, वीपी सिंह की सरकार। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर हम इस पेपर के सिस्टम को बदलें, सिस्टम को बदलें, स्वास्थ्य के सिस्टम कैसे सही होगा? ओके ओके ओके, अरस्तु जी एक मिनट रुकिए।